हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस मॉम ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस मेरे यहाँ पर अभी होली की तैयारी शुरू हो रही है, तो आज के किचन की रेसिपी में मैं गुजिया बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि गुजिया कैसे बनाई जाती है। और गुजिया में आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, चंद्रकला। तो चंद्रकला के बारे में आप, अगर आपने नहीं सुना तो चंद्रकला के बारे में भी आप जानेंगे कि चंद्रकला होती क्या है। तो वीडियो आप कंटिन्यू फुल वॉच करें। हाँ, मैं गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम होममेड खोया बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 2 लीटर दूध, इसको मैं पतीले में निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद अब हम इसको उबाल लेंगे। हाँ, मैं लगभग 2 लीटर दूध ले रही हूँ, जिसमें कि आपको आधा किलो खोया निकल कर आएगा। तो अगर आप चाहें तो होममेड खोया भी बना सकते हैं। मैं खोए की रेसिपी मैंने पहले भी बनाई थी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं वीडियो में भी खोए की रेसिपी डाल रही हूँ, आप यहाँ पर भी वॉच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ मैं 2 लीटर दूध मैंने ले लिया है और यहाँ हमारा दूध उबल चुका है। तो अब हम इसको खोलने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसको इसी तरह से खोलने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद अब हम पतीले का जो दूध था, इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। कढ़ाई में डालने से क्या होगा कि जो आपका जो दूध है, तो उसको स्पेस मिलेगा दूसरा, कि कढ़ाई में गाढ़ा होने में ज़्यादा आसानी रहती है, क्योंकि पतीले में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो कढ़ाई जो होती है हमारी चौड़ी होती है। और इसमें जो आप खोया बनाएंगे तो इसमें गाढ़ापन बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। लोहे की कढ़ाई में क्या होता है कि इसके तत्व भी जाते हैं, तो लोहे की कढ़ाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब ये धीरे धीरे खदक रहा है, अब ये धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो इसको अभी हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ खोया बनाने में आपको 3 से 4 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपके पास इतना समय है तभी तो ही आप घर पे खोया बनाएं, वरना आप मार्केट का मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का इतना मिलावटी होता है। और ख़ासकर सुना है कि मैंने इसमें शकरकंदी मिलाया जाता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती है। तो शकरकंदी जो होता है उसको उबाल कर इसमें डाल दिया जाता है, ऐसी चीज़ें भी मैंने सुनी है। बट हम लोगों ने सोचा कि घर में ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं अब इसमें हल्का हल्का लालपन आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे बुलबुले भी उठने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब इसको लगातार चलाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसको लगातार इस तरह से चला रही हूँ। खोया बिल्कुल भी सटना नहीं चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ हमारा खोया एकदम बनने को रेडी है, और इसमें को लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। और जितना ज़्यादा ये अच्छे से होगा उतना ही ये अंदर से गाढ़ा होगा। तो गाढ़ा होने पर ही ये सूख के थोड़ा सा खोया का रूप लेगा। तो इस तरह से ही इसको चलाते रहना है। तो मैं यहाँ इसको लगातार, इसको अभी हम 7 से 8 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाते रहना है। देख रहे होंगे कि अब इसमें बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। तो बुलबुले जो आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अंदर से अच्छे से सिझ चुका है, मतलब पक चुका है। और जहाँ हम थोड़ा सा, एक नारियल था, नारियल का गोला था, तो इसको हम इसमें घिस लेते हैं। तो बारीक एकदम घिसना है, मोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का आपके पास घर में होता ही सबके, तो इस तरह के से आप इसको घिस सकते हैं। और आप चाहे तो मिक्सी में घिस सकते हैं, पर मिक्सी में उतना बारीक नहीं होगा। तो मिक्सी में भी आप इसको घिस सकते हैं, पर घिसने से क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे जो वो रहते हैं निकल कर आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं इसको घिस लेती हूँ। तो यह पूरा नारियल मुझे घिसना है, तो इसको घिसने में मेरे को लगभग आधा घंटा से ऊपर लग जाएगा। बाद यहाँ हमारी कढ़ाई खाली हो चुकी थी, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं। तो घी डालने के बाद घी हमारा यहाँ पर गर्म हो रहा है। उसके बाद अब हम इसमें 1 पाव के करीब घी डाल देते हैं। तो सूजी को हमें अच्छे से भूनना है, तो अब हम इसको अच्छे से लाल कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारा सूजी अच्छे से भुना चुका है और यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि इसमें हल्का सा लालपन आ गया है। इसका मतलब ये कि सूजी अच्छे से भुना गया है। तो इसको अभी हम समेट के अभी रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने गुजिया बनाने के लिए थोड़े से लिए हैं, थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ता लिए हैं और 10 दाने इलायची के दाने लिए हैं। तो अभी हम इन सबको बारीक बारीक काट लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये चारों चीज़ें इतनी क्वांटिटी में आपको लेनी है। यहाँ हमने कढ़ाई में खोया निकाल के रख लिया था। अब हम इसमें जो कि हमने भून के रख रखा था इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद अब हम इसमें शक्कर को डाल देते हैं। तो यहाँ मैं इतनी मात्रा में शक्कर ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। बाद हम इसमें घिसे हुए नारियल को डाल देते हैं। तो नारियल डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से इसमें नारियल डाल लेना है। तो यहाँ मैंने लगभग आधा से ज़्यादा नारियल जो मैंने घिस के रख रखा था इसमें डाल देना है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है जो कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैंने सूजी क्यों डाला है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सूजी डालने से क्या होता है कि जो हमारा जो चीनी है वो सूजी सोख लेता है और जब आप सूजी नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि जो आप गुजिया बनाएंगे वो आपका फटना शुरू हो जाएगा, यानी कि चाशनी बनकर गिरना शुरू कर देगा। तो इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने काट के पहले से रख रखे थे इसमें डाल देते हैं। हम काजू बादाम पिस्ता जी सब इसमें डाल देते हैं। इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा भी डाल देते हैं। तो किसमें आप भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसको फटाफट इसको इसे मिला लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा भुरभुरा करके हमें रखना है। तो ये थोड़े टाइम के लिए हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो इसको यहाँ हमने मिला के रख लिया था। आज यहाँ हमने चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी रख दिया था। तो यहाँ चाशनी हम चढ़ा दिए हैं क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा चाशनी वाला भी बनाने वाले थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ ये इसको चला के दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर अब गाढ़ा होना शुरू होगा। तो यहाँ चाशनी हमारा बन के रेडी होगा। उसके बाद हम इसमें चाशनी में डालेंगे। तो इस तरह से चाशनी आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ हमने मैदा अच्छे से गूँथ के रख लिया है। तो मैदा जो है आपको टाइट गूँथना है, जो इसके अंदर भरावन होगा तो उसके लिए टाइट आटा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं इसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से ढक के रख देती हूँ ताकि इसका मॉइस्चराइजिंग बने रहे। उसके बाद यहाँ हम इसको बेल के रख लेते हैं। तो इसको इस तरह से इसको बड़ा बड़े आकार में इसको अच्छे से बेल लेना है। तो बेल के हम यहाँ इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइड में आपको हल्के हाथ से पानी लगा लेना है। तो बीच में पानी बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। तो इसी तरह से आप दूसरे वाले पे भी इस तरह से आप पानी लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो मिश्रण बना रखा है तो मिश्रण 1 चम्मच लेके इसमें अच्छे से डाल लेना है। तो मिश्रण इसमें अच्छे से डाल लेने के बाद यहाँ पर दूसरी तरफ हमने बेल के रख रखा था उसके ऊपर ऐसे रख देना है। तो रख देने के बाद इसको चारों तरफ से इस तरह से इसको दबा लेना है। दबाने के बाद इसको यहाँ अच्छे से हम दबा लेते हैं। दबाने के बाद इसको रस्सी के शेप में अच्छे से मोड़ना है। तो कैसे मोड़ना है ये आप वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद यहाँ नाखून की मदद से इसको इस तरह से घुमा घुमा के मोड़ लेना है। तो यह रस्सी के शेप में अच्छे से ये के इसको इस तरह से शेप देना है। चाहे तो दूसरी शेप भी दे सकते हैं पर ये वाली आसान रहती है कि गोल गोल मोड़ के आप इसको शेप दे सकते हैं। तो इस तरह का हेयर स्टाइल ही बनता है, आपने कई बार देखा भी होगा। तो इसी तरह से इसको घुमा घुमा के इसको इस तरह से बांध देना है। हाँ, आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से बन के रेडी हुआ है। जहाँ मैं फटाफट इसको अच्छे से गोल करके काट रही थी और बराबर पीस में काटना है इसको, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसको रोल करके इस तरह से इसको काट के रख लेना है। तो यहाँ मैं इसको फटाफट काट के रख ले रही हूँ। तो फटाफट इसको बेल लेना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी ये हवा में ना रहे क्योंकि हवा में रहने पर सूखेगा। तो आप चाहो तो इसको कपड़े से ढक कर रखो। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बेलना शुरू कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से
बेलना है। इसके बाद यहाँ हम दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा देते हैं। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी थी, इसके बाद हम इसमें रिफाइंड डाल देते हैं। तो रिफाइंड यहाँ मैंने आधा पाई के करीब डाला है, तो इसको गर्म होने देते हैं। तो ये अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसके बाद यहाँ हम इसको अब तलना शुरू करते हैं। तो इसको यहाँ पर फटाफट इसको तलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फूल चुका है। और दूसरी बात ये मैं यहाँ बता दूँ कि इसको एक मिठाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम चंद्रकला भी बोलते हैं। तो आप हलवाई की दुकान में जाएंगे तो इसी तरह के आपको मिलेंगे। तो यहाँ ये पक के रेडी हो चुके थे, तो मैंने दूसरा डाल दिया था। तो इसको भी अच्छे से हम पका लेते हैं। इसका जो आँच होना चाहिए मध्यम से कम होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ हम चाशनी बना रखे थे, तो यहाँ हम इसके बाद यहाँ हम स्वर्णकला को निकाल के रख लेते हैं। तो यहाँ मैंने अलग से प्लेट में सभी को निकाल के रख लिया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम इसको इसमें अच्छे से डुबो लेंगे। जो हमने चाशनी बनाई थी चाशनी में डुबो लेंगे। चाशनी में डुबो कर इसको साइड में जो स्टैंड रखा हुआ है उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरे तरीके का गुजिया बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से ऐसे बेल के रख लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं बाकी को भी बेल के अच्छे से रख लेती हूँ। बाद यहाँ हम जो हमने बना रखा था इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसके ऊपर जो मिक्सचर है उसको डालकर अच्छे से इसको यहाँ पर पैक कर देते हैं। तो इस तरह से इसको पैक कर लेना है। तो यहाँ मैं अंदर से अच्छे से उंगली से भर देती हूँ। उसके बाद हमें इसको साइड से इस तरह से इसको मोड़ना है। तो मोड़ लेते हैं हम लोग इसको ऐसे चंद्रकला की तरह ही मोड़ना है। चंद्रकला में हमने दो में बनाया था, तो यहाँ ये सिंगल पीस में हम इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से इसको भर लेते हैं और इसको इस तरह से मोड़ के और इसको अच्छे से दबा लेते हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पानी लगाए वहाँ पर आपका ये मिक्सर नहीं लगना चाहिए, ताकि ये बनाइए फूटना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना के इसको इस तरह से दाब ले। तो इस तरह से इसको दाब के रख लेना है, ये आप देख सकते हैं। बाद इसको भी इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसको एक तरफ से फ्राई कर लिया है और दूसरी तरफ से इसको अब हम रखेंगे। इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है फटाफट। अब हम इसको अच्छे से पलट लेते हैं। तो सभी को मैं पलट लेती हूँ। ये हल्का ब्राउन हो चुका है और आँच जो है मैं कम कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने सभी को पलट लिया है। इसको इसी तरह से फ्राई होने के लिए रख देंगे। फ्राई होने के बाद इसको हम निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे। यहाँ पर हमारा चंद्रकला बनके रेडी हो चुका था। मैंने यहाँ पर इसको पिस्ते से गार्निशिंग करी है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसमें गया है। इसके इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ मैंने जो दूसरी टाइप की गुजिया बनाई थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कैसा लग रहा है आप सभी को प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैंने इसको ज़्यादा गार्निशिंग नहीं करी थी, तो यहाँ मैंने इसको सिंपल वे में रखा है। और यहाँ पर हमारा चंद्रकला बनकर रेडी हो चुका था। तो अब मैं जा रही थी भोग लगाने के लिए, क्योंकि कुछ मीठा बना था तो भोग लगाना तो बनता ही है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे भोग लगा रही हूँ। लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे दातिये। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली बोल रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरी होली वाली ब्लॉग आएगा तब तक होली बीत चुकी होगी। और सेकेंडली, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्ते।